हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू, आटा, मसाले और कलौजी, हरी मिर्च, धनिया पत्ती इत्यादि। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने पहले आलू को धोकर उबालकर और इसे छिलकर रखा है। गैस को ऑन करूंगी। ऑन करने के बाद एक कढ़ाई को गर्म होने दूंगी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। आप जो तेल खाने में यूज करें आप उसे डालें। मैं सरसों तेल यूज करती तो मैं सरसों तेल डालूंगी। तेल गर्म हो गया, इसके बाद मैं डाल दूंगी कच्ची मिर्च जो मैंने पहले से ही काट कर रखा है। इसके बाद मैं डाल दूंगी कलौजी। अब इसमें डाल दूंगी मसाले। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च और हल्दी, लाल मिर्च का पेस्ट बनाया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये मसाले जो है वो पक कर तैयार है, तो मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए आलू जो कि मैंने पहले से छील कर रखा था। और इसे आलू को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अभी और इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ साथ इसे मैश भी करना है, तो मैं इसे इस तरह से अभी हमारा आलू का जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है आलू पराठे में, तो इसे हम अभी ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, आप इसे कढ़ाई में भी छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं इसमें निकाल लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है इसलिए ये ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे जल्दी से आलू पराठा बनाना है, तो मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस कढ़ाई में भी छोड़ सकती हैं इसे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चलिए बताते हैं कि आलू के पराठे कैसे बनाएं। इसके लिए मैं इस तरह से आटे की पहली लोई बना लूँगी। उसके बाद मैं इसे थोड़ी से सूखी आटा लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इसे गड्ढा कर देना है ऐसे। इसमें मैंने ये मिश्रण को डाल दिया। अब इसे बंद करना है, इस तरह से किनारे से दबाते रहें। ये बचा हुआ जो है उसे काट के निकाल दें, फिर इस तरह से गोल कर ले। ये से
बेलन के सहायता से, बेलन के सहायता से बेल लें। और मैंने तवा को गर्म होने के लिए रखा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने एक और ये लोई में भर लिया है और तवा अब गर्म हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये जो मैंने पहले से बेल कर रखी हूँ, तो मैं इसे डाल दूंगी। मीडियम आंच पे पकाऊंगी, तब तक मैं इसे भी बेल लेती हूँ। इसे उलट ले, दूसरी तरफ से पकाए। तब तक मैं बीच में फिर से एक तैयार कर लेती हूँ। इसमें ये रिफाइंड डालूंगी, फिर से इसे उलट लूंगी और दूसरे तरफ भी रिफाइंड डालूंगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेना है और ये आपका गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो एक बार आप भी ट्राई करें। इसे टमाटर या मूंगफली की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।